ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण राधे राधे, ओम नमो नारायण। भागवत का स्कंद नौवां छठवां अध्याय। राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र पर क्रोध करना। अमरीक दे वंश में इक्ष्वाकु राजा हुआ है, उसने श्राद्ध वास्ते ससाओ अपने बेटे से कहा, वन में जाकर शिकार मार लिया, मैं यज्ञ करूं। सो राजकुमार ने वन में जाकर एक सहा मारा। दिन बहुत चढ़ने से उसको भूख लगी, तब उसने थोड़ा सा मांस सहेदा खा लिया, बाकी दा ले जाकर राजा को दिया। जब राजा श्राद्ध करने बैठा तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये मांस झूठा है। राजा ने पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया और ज्वलप्रखी के पास जाकर रहा। जब इक्ष्वाकु मर गया तब वशिष्ठ जी ने ससाओ को बुलाकर राज दिया। उसके वंश में पुरंजय नाम राजा प्रतापी हुआ। एक बार इंद्र दैत्यों से हार गए, तब ब्रह्मा दे कहे पहुंच पुरंजय को ले गए तो जीत गई। तब इंद्र बैल होकर राजा के रथ में रहे, उसके वंश में शाश्वत नाम राजा प्रतापी भया, उसने कुवलिया प्रतापी भया, जिसने उकंग की सहायता ली धुंध को मारा। दैत के मुंह से अगन निकली, 21,000 पुत्र राजा दे भस्म हो गए। दृढ़हास्य आदि तीन बेटे बचे, सो दृढ़हास्य का निकुंभ उसके वंश में जुबनाश्व नाम राजा ऐसा प्रतापी भया। सात दीप का राज किया, संतान ना होने से उदास रहा। ऋषियों से पुत्र होने लिए उपाय करवा कहा, एक कलश जल का मंत्र का ऋषियों ने यज्ञशाला में रखा कि प्रातःकाल रानी को पिलावेंगे, रात को राजा को पृथ्वी लगी, राजा जी वो जल पी गए। सो राजा को वरदान हुआ। ऋषियों ने कहा, तुम्हारे पुत्र होगा 10 महीने बाद। ऋषिशरों ने पेट पाड़ कर लड़का निकाल लिया, गाँव उसी तरह सियो दे। उस बालक ने रोकर दूध मांगा, तब इंद्र ने अंगूठे साथ अमृत पिलाया। उसने कहा, मैं पालूंगा। ऋषियों ने उसका नाम मानधाता रखा। वो ऐसा प्रतापी हुआ है जिससे रावणादिक सब दैत डरते थे। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, इससे उसका तेज बड़ा हुआ। मानदाता के मुचकंद आदिक तीन पुत्र हुए, 50 कन्या हुई। उसने 50 कन्या सौरभ ऋषि को ब्याह दी। परिषद ने पूछा, इसका क्या सबब, एक को सभी कन्या दे दी, सो की कारण है। सुखदेव जी ने कहा, सौरभ जमुना दे कमरारे बैठा था, जल में 1,000 वर्ष तप किया, मच्छी को बचाओ के साथ क्रीड़ा करते देखा। चित में इच्छा आई कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है। ऋषिशर ने राजा को आनकर कहा, हमको कन्या देवो। उसने कहा, महल में जाओ, जो कन्या पसंद करो उसे ले जाओ। तब ऋषिशर ने ऐसा स्वरूप बनाया कि सबने पसंद किया। राजा ने विध पूर्वक सबदा विवाह कर दिया। ऋषि ने 50 विवाह रचे, इच्छा पूर्वक आनंद करने लगे। उसके 50,000 पुत्र भया। फिर ऋषिशर ने विरक्त होकर तप करके अपना शरीर त्याग दिया। 50 सती भई सतलोक हो गई। शेमाध्याय समाप्तम इति। जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण राधे राधे, ओम नमो नारायण।